फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ एक और नया वीडियो एक्सेल का, जिसमें हम इंडेक्स और मल्टीपल मैच फंक्शंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ बेसिकली हमें एक डेटा दिया गया है, इस डेटा से हमें जो डेटा फाइंड करना है, जैसे यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सिटी और सेल अमाउंट दिया गया है, उस सीक्वेंस में फाइंड करना है। पर यहाँ पर अगर आप कॉलम देखें तो काफ़ी अनबैलेंस्ड है, यानी कि एम्प्लॉय आईडी फोर्थ कॉलम में है, फिर आपका सेल अमाउंट, एम्प्लॉय नेम, सिटी, बहुत ही अनप्रॉपर सीक्वेंस में। अगर हम यहाँ पे वी लुकअप फंक्शन यूज़ करेंगे तो हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा रिवर्स वी लुकअप, और वी लुकअप को रिवर्स में फाइंड करने में प्रॉब्लम होता है वैल्यूज़ को, तो यहाँ पे रिजल्ट हो सकता है आपका गड़बड़। तो इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं इंडेक्स, और इंडेक्स के साथ हम यूज़ करेंगे मल्टीपल मैच फंक्शन। अब यहाँ पर ये जो डेटा दिया गया है, इसमें ऑलरेडी फंक्शंस लगा हुआ है, तो इस डेटा को करते हैं हम डिलीट, और डिलीट करने के बाद हम इस डेटा को फाइंड करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको यूज़ करना है इंडेक्स फंक्शन, इंडेक्स के बाद आपने करा है टैब, और टैब में सबसे पहले आता है एरे, क्योंकि यहाँ पर हम एम्प्लॉय नेम, सिटी और सेल अमाउंट एक साथ यूज़ करने वाले हैं। तो इंडेक्स फंक्शन में हम यहाँ पर सबसे पहले हमें लेना है टेबल एरे। टेबल एरे में हमने लिया है यहाँ पर पूरा का पूरा डेटा, क्योंकि हम सारे के सारे चीज़ें एक साथ फाइंड करने वाले हैं, जिसमें नेम, सिटी, एम्प्लॉय कोड सब कुछ आने वाला है। इसको करेंगे हम F4 से फ्रीज। इसके बाद कॉमा लगा के हमें यूज़ करना है मैच फंक्शन। मैच फंक्शन में सबसे पहले देना है मुझे लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का आप F4 से फ्रीज करेंगे, वो भी इस तरीके से कि जिससे आपका सिर्फ कॉलम फ्रीज हो, आपका रो फ्रीज ना हो। कॉलम हमने फ्रीज कर दिया। कॉमा लगा के हमें देना है लुकअप एरे। लुकअप एरे में हमने दिया है एम्प्लॉय आईडी वाला पूरा कॉलम, क्योंकि सारी एम्प्लॉय आईडी हमारी एक ही कॉलम में है, तो ये दिया है हमने। इसको F4 से फ्रीज कर देंगे, कॉमा लगाएंगे और जीरो देंगे आप एग्जैक्ट मैच के लिए। डेटा को फ्रीज करने का मतलब है कि जहाँ पर डेटा आप चेंज नहीं कर रहे तो उसको हम फ्रीज करते हैं। इसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करा है, कॉमा लगा के हम एक और मैच फंक्शन यूज़ करेंगे, जो मैच फंक्शन हमारी फाइंड करेगा लुकअप वैल्यू, जिसमें होने वाला है एम्प्लॉय नेम। इसको भी F4 से आप फ्रीज करेंगे इस तरीके से, जिससे आपका सिर्फ कॉलम नंबर आपका जो है वो अनफ्रीज रहेगा और आपकी रो फ्रीज रहे। इसके बाद कॉमा लगा के लुकअप एरे में हमें देना है यहाँ पे सेकंड नंबर कॉलम रो को, यानी A2 से लेके D2 तक। इसको भी आपने F4 से फ्रीज करा है। इसके बाद कॉमा लगा के फिर से एक सेक मैच के लिए जीरो, दो बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और अब करना है आपको कंट्रोल के साथ एंटर। तो देखिए सारा का सारा डेटा आपका एक साथ फाइंड हो चुका है, जिसमें आपका एम्प्लॉय नेम दिया गया है, उसका सिटी और सेल अमाउंट आपको फाइंड हो चुका है। अगर हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी चेंज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे करा 3, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए मेरा एम्प्लॉय नेम, सिटी और सेल अमाउंट भी वैरी कर रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इससे भी लेटेस्ट और इस तरीके के वीडियोस आपको देखने को मिलते रहें।